किया राम जय राम जय। हाँ ऐसे जीना जीता है बेटवा। अरे कुछ ने हमका बताए कि काका का तबीयत खराब है, जाओ देख लिया नहीं मान मुराद गई है तो। अरे बेटवा मरे के तो सबका एक दिन है, क्या हमारे रोज का तो है होए है तो सबका एक दिन जाएगा होए। अरे हमारे का तो है ही है, काका से मुलाकात के है बहुत दिन हो गई, चले गए थे काका हम दिल्ली। अच्छा बात है। अरे कई घर वर बनवा रहे ना। अच्छा कई कुछ कमाए है बहनों से। अच्छा सब काका से मिल जाए बिस्कुट इसको लान है तो दे आई। बस ठीक है बेटा, आई बता दे ये बात छोड़ छे खबर से नहीं ना है सर्दी से खाम मार दिन रहा है। हे भैया हमारे लगे अरे मोर बेटवा कहना ना आया कहना ना आया बस हम तो वही कहना चाहता हूँ वाली गरीब आदमी पैसा रखा धार के होते हैं तो पिए तुरंत जो खाम पैसा हो जाए गया। अहम समय है तो दिल्ली बम्बई कमाए वाले मरे तो खाली समझ ला लेते हमारे रेवड़ी बम्बई वाली। अच्छा और दाल मोट भरपूस बम्बई में बाहर रेवड़ी मिले थे लखनऊ में मिले थे आवाज आगे बताओ। अच्छा छोड़ हमारे पास इधर आता चक्का बताई। ओ कहा चाहिए हमारी बिटिया जो फूलवा है तो गाँव में कोई भी लड़की लड़का जो पढ़े जाए थे स्कूल तो लौट के आवा चुना तो साल भरे में कुछ से पुत्र महतारी बाप से बतौते हैं कि हम पढ़ाई में अपने पास बहन की फेल भाई और हमारे बिटिया फलोरा है स्कूल जाए थे संगत आवा थे काम धंधे में फंसी जाए वो तीन दादा से छुट्टी में तो हमसे न बताए कि मैं स्कूल में पास हो गई कि फेल हो गई का करा थी मैं बतावा में पढ़ाई लिखाई का मामला है। अब देखो स्कूल जाए के समय होगा अब अहे बेटी खुद के का कपी दे फिर भी लो भैया मुझे से हमको दे दिया। अरे यार तो सब उसके बना तो यार भाई लिया ओ ये बताओ अरे हाँ दोस्त या फिर क्या अच्छा काका राम राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम बेटवा कहा जम्बू। हाँ सब बढ़िया है काका। कहाँ रहा थोड़ा हो तो कहीं दिन से फोन कर रहा था का करे ही खेती के सामने में जाना तो परे है। हाँ नीलगा हचकिया वाले देखो तो छोटे के झुंडा वाले। अरे बेटवा ये तो खेती में जो उनके ऊपर क्या है जीव जंतु जितने हो सब उनका चारा ही हम तो है जीरा समान में हो नीलगा तो जो नहीं है जो नहीं है देख रहे हो गाय तो अब है बसवा तो दे ले सारा और से हम बहन करे रहा हो। बेटवा सब बातें छोड़ा हमको ये बतावा कि हमारे बिजली बेटवा को जो जनता है कुछ मोज दिमाग के है। हाँ 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 मोजे दिमाग के तो हमें है और पढ़ाई लिखा नहीं ना पढ़ाई तो स्कूल भेजी हो तो छूट जाए थे पत्ता भेजिए थोड़ा अभी और उसे थोड़े से बोल नहीं देंगे संध्या को उठाओ थे पत्ता तो भागी आओ तो मैं हाँ हाँ। अच्छा जब बिट्टी हम आ जाए तो पता दिया हमारे लगे। अच्छा वीडियो का हाँ हाँ आवाज क्या फुलवा हुआ तो वो बस ये कह रहा था ये हम ये बताओ क्या फुलवा बापू तो स्काई बात हूँ ना हाँ पढ़ाई अच्छी कह रहा था तू ना बापू वो खुशी की बात है आप सुनेगी अच्छी कौन बात है जो समय से मार खुशी को दिल में थी कृष्ण वंशी Oh,
₹500 चाहिए। 500 रुपए? हाँ। नाम लिखाई के बारे 500 रुपए? हाँ। एक बात बताई भी किया हमारे खाना वाला तो किया माना के पढ़ाई लिखाई बंद करा और तू शरण हो गया जो हम पढ़ाई लिखाई करे तो वही करूँ। अब हम सोचे रहे कि तुम्हार को हम शादी कर दिए बेटे एक अच्छा लड़का बेटे हाँ बेटे और कहे तो लड़का आवा तो हमें देखो हाँ मिट्टी तो एक काम करा चला घर में रहा पढ़ाई लिखाई के तो चक्कर छोड़ा जो पढ़ा चला तो अपन घर में पढ़ा। सिर्फ एक सर की बात है ना ही बिटिया और नहीं पढ़ूंगी तो जानना थी ना कि हमारे पढ़ाई व्यवस्था जो है उनके काम बहुत सफरक ना ही और घर में पैसे एक तो नहीं ना कि हम अपने जीते जीते बाहर शादी करिए तो अपने घर चले जाए हमारे सर पर से बोझ हल्का हो जाए और एक काम है थोड़ा और तो घरों में रहू कहूँ जाए ना हम जाते हो जाए अपने हरिपुर के तो जमींदार ठाकुर कुलपति में है बहुत बड़ा दया जो मनाई है तो भगवान के बंधुओं को खाई दिया तो उनके तो भी कुछ खर्चा खर्चा लगभग करे नाश्ता पानी के बोले तो कुछ लगभग करे तो हम कहते हैं कि हम चला गए ठाकुर खिया कि कुछ पैसा मांग रहे जाए कि राहुल 400-500 रुपया लेकिन
हाँ बेटिया हम बहुत जल्दी हो गए। खाना बना रही है तो चलो खाना बनाओ और हम जाते हैं तो उतने होगा माता जी जा। हरिपुर चलो नंबरदार कुलपत सिंह हाथी उससे कुछ खर्चा यानी की मांग लावा जाए। अरे खर्चा मांग लेंगे कुछ कर्जा पानी ले लेंगे धीरे धीरे कमाई कमाई के अदा कर लेंगे आप हम काम लेंगे बिटिया के हमारे शादी भी आए थे और हमारी बिटिया का क्यों ऐसा लाने में देकर देखे उनकी तो ना पसंद तो नहीं देखा तो वहाँ हमारे बिटिया के दिन जैसे बोल रही थे थोड़े खाली कहीं के शरीर में मोटाई नहीं गया है बिटिया इतना गरीब परिवार है काका कहा थी कि जिंदे जिंदे बिया कैसे ठीक है कहा दिए थे के बिठवा है बस आधा के लिए है कौन सार बोकरी चलावे जाते कहूँ के खेते में ढील जाए दो साल मार खा रहे मरे थे चलो चल है इतनी महंगाई बढ़ी है कि ये देश के पता नहीं आगे चल के का हुई।